हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ आलू प्याज गोभी और हरी मिर्च के पकोड़ों की बिल्कुल अलग रेसिपी। तो आज मैं आपको बताऊँगी बिल्कुल हलवाई वाले तरीके से आलू प्याज के पकोड़े बनाने। तो मैं आपको बताऊँगी दो ऐसी चीज़ें जिनसे कि हलवाई जैसा टेस्ट आता है पकोड़ों में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गोभी ले ली है। गोभी को देखिए मोटे मोटे पीस में मैंने काट लिया है और इसे कुछ टाइम के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दिया है। इससे क्या होगा कि गोभी में जो भी गंदगी होती है एक्स्ट्रा वो निकल जाती है। और कुछ 10 मिनट के बाद इस गोभी को हम एक छन्नी में निकाल लेंगे जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। ये देखिए गोभी हमारी बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। ये मैंने बेसन ले लिया है पेस्ट बनाने के लिए और ये मैंने गोभी ले ली है मोटे मोटे पीस में कटी हुई। देखिए गोभी बिल्कुल साफ़ हो गई है, देसी गोभी है। ये मैंने देसी गोभी का इस्तेमाल किया है। देसी गोभी का टेस्ट खाने में बहुत ही अच्छा होता है। और ये मैंने ले लिया है साबुत धनिया। देखिए हलवाई अपने पकौड़ों की रेसिपी में साबुत धनिया ज़रूर यूज करते हैं। और दूसरी चीज़ कसूरी मेथी। बेसन के पेस्ट में कसूरी मेथी डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और ये मैंने आलू काट लिए हैं गोल शेप में, गोल शेप में प्याज काट ली हैं और ये दो ले लिए मैंने हरी मिर्च। तो अब ये देखिए सारा सामान मैंने निकाल लिया है। तो चलिए जब तक हम पेस्ट बनाए तब उससे पहले हम कढ़ाई में सरसों का तेल चढ़ा देते हैं और तेल को पकने के लिए रख देते हैं। तो तेल हमारा पक रहा है तब तक हम बेसन का पेस्ट बना लेते हैं। देखिए बेसन में मैंने थोड़ी एक हरी मिर्च काट ली है बिल्कुल बारीक बारीक। ये डाल दिया धनिया, ये डाल दिया नमक स्वाद अनुसार, ये डाल दी मैंने हल्दी, ये डाल दिया मैंने गरम मसाला, ये थोड़ा सा अमचूर पाउडर और साबुत धनिया डाल दिया, ये डाल दी मैंने हींग और ये डाल दी मैंने इसमें कसूरी मेथी। तो भी ये सारा सामान डाल दिया है मैंने। अब इसमें पानी डालकर इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए घोल आपका पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अच्छे से आपके पकौड़े के साथ मिलेगा नहीं। तो इसलिए घोल को जो है गाढ़ा रखना है। अभी मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह का आपको घोल बनाना है। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है मैंने इस तरीके से फेंटते हुए। इसमें गाँठें नहीं होनी चाहिए। तो इसे दो मिनट के लिए गोल बिल्कुल फेंट लीजिए। अब देखिए पेस्ट तैयार है। तो अब हम इसमें सबसे पहले अपना आलू मिक्स कर देते हैं इस तरीके से। आलू को अच्छे से लपेटकर पेस्ट में चिकनाई में छोड़ देंगे। चिकनाई हमारी गर्म हो चुकी है तो मीडियम फ्लेम रखना है हमें और क्रिस्पी होने तक पकौड़ियों को तलना है। अब ये देखिए प्याज डाल दिए मैंने और अब गोभी। इसी तरीके से सारी चीज़ों को पेस्ट में अच्छे से लपेट कर हमें चिकनाई में छोड़ देना है। और अब हरी मिर्च, ये देखिए हरी मिर्च भी बहुत टेस्टी लगती है बेसन में, इसका तीखापन भी खत्म हो जाता है फ्राई होने के बाद। अब इन्हें इस तरीके से उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक। अब ये देखिए मैंने सारे पकौड़े डाल दिए इसी तरीके से। तो पहले मैं अपने सबसे पहले प्याज के पकौड़े तल रही हूँ। अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं गर्म गर्म जब इन्हें आप सर्व करते हैं हरे धनिया की चटनी के साथ। अब ये देखिए ये गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम अपने पकौड़ों को इस तरीके से अच्छे से सेक कर निकाल लेंगे। तो चलिए हमारे पकौड़े पूरी तरह से सिक चुके हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं इस तरीके से। देखिए जब आप इस तरीके से पकौड़े बनाएंगे तो पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अभी ये मैंने डाल दिए हैं आलू के पकौड़े। अब इसी तरीके से मैं अपने आलू और गोभी के पकौड़े तल लूँगी। तो चलिए अब ये हमारे पकोड़े भी सिक गए हैं, देखिए गोल्डन हो गए हैं। तो अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे और गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट में सर्व करेंगे आलू प्याज गोभी और हरी मिर्च के पकोड़े हरे धनिया की चटनी के साथ। तो आप भी ट्राई कीजिए मेरी ये रेसिपी। अब ये देखिए गर्मा गर्म सर्व करने के लिए प्लेट तैयार है। थैंक यू सो मच गाइज़।